भारत माता की। धान का कटोरा चंदौली के सभी लोगन के प्रणाम। बाबा किनाराम आ लाल बहादुर शास्त्री जी के धरती चंदौली के सप्रेम नमन। चंदौली की धरती ने आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण तक हमारी संस्कृति और राष्ट्र की सुरक्षा तक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान न दिया हो। इस योगदान को हमारी सरकार ने सम्मान भी दिया है और उसको रोजगार की, पर्यटन और तीर्थाटन की संभावनाओं से भी जोड़ा है। आप देखिए चंदौली में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो मेडिकल कॉलेज बाबा किनाराम जी के नाम से बन रहा है। रामगढ़ में बाबा किनाराम के धाम को सुंदर और भव्य बनाया जा रहा है ताकि यहां अधिक से अधिक श्रद्धालु आ सके। वाराणसी चंदौली सीमा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विशाल मूर्ति, बाग और संग्रहालय भी टूरिज्म को बहुत बल देने वाले हैं। हमारी सरकार ही है जो महाराजा सुहेलदेव के योगदान को पूरे देश में लेकर के गई है, वरना पहले वो भी एक जमाना था कि गौर परिवारवादियों को महाराजा सुहेलदेव सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दौरान ही याद आते थे। गौर परिवारवादियों और गणगौर राष्ट्रभक्तों के बीच यही अंतर होता है। वो अपमान करना, उपेक्षा करना बराबर जानते हैं, लेकिन हम आपकी आकांक्षाओं पूरा करने के लिए मेहनत करना जानते हैं। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में भाजपा ने देश की राजनीति को बदलने वाले कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन मैं 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। एक काम हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स के बजाय, जात पात के भेदभाव के बजाय, मेरा जिला तेरा जिला, मेरा क्षेत्र तेरा जिला क्षेत्र, पश्चिम यूपी पूर्व यूपी मध्य यूपी, ये सारे भेद मिटा करके सिर्फ और सिर्फ सबका साथ सबका विकास की राजनीति को हमने केंद्र में रखा है। दूसरा ये कि कोरी घोषणाओं के बजाय हमने सरकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है जिनके वो हकदार है और जिनको सरकार की योजनाओं की सबसे अधिक जरूरत है। हम जानते हैं पहले छोटी छोटी जरूरतों के लिए
नेताओं के सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना शुरू कर दिया। आप देखिए, पीएम किसान का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, बच्चों के वजीफे का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, गैस सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में, पेंशन का पैसा सीधे आपको बैंक खाते में। यही सुशासन है जो आपके एक एक वोट ने सुनिश्चित किया है। इस बार भी आपका हर वोट यूपी में सुशासन वाली सरकार की वापसी कराएगा। साथियों, ये गौर परिवारवादी अभी भी कुछ नेताओं और माफिया से गठबंधन की पुरानी राजनीति में ही अटके पड़े हैं। हमारा गठबंधन जनता से होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? और ये गठबंधन पक्का होता है कि नहीं होता है? दूर दूर तक पहुंचने वाला होता है कि नहीं होता है? और इसलिए हमारा गठबंधन जनता जनार्दन से होता है। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन लाखों लाख गरीब दलित पिछड़े भाई बहनों से है जिनको इस कोरोना काल में हमने भूखे पेट सोने नहीं दिया। गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा रात को भूखा न सो जाए, इसलिए पिछले दो साल से हम मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहे हैं। भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर नागरिक से है जिसके जीवन की हमें चिंता थी, जिसे हमने कोरोना का मुफ्त टीका लगाया, सबको लगाया, तेजी से लगाया। आपका टीका लगाया क्या? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, आपका टीका लगाया क्या? आप सबको टीका लगा है? आपको टीका लगाने का पैसा देना पड़ा क्या? पैसा देना पड़ा क्या? जेब से एक रुपया भी देना पड़ा क्या? इसीलिए तो मेरा और आपका गठबंधन है। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन 14,000 गरीब परिवारों से है जिनके पक्के घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। भाइयों बहनों, जब 14,000 गरीब परिवारों को पक्के घर मिले, मतलब एक एक परिवार लखपति हो गया, आज घर की कीमत देखें। और जब घर बनता है भाइयों बहनों, घर तो गरीब के लिए बनता है, लेकिन जब घर बनता है तो ईंटें किसके हाथ से खरीदते हैं? मध्यम वर्ग के परिवार के हाथ से। सीमेंट किसके हाथ से खरीदते हैं? मध्यम वर्ग की दुकान से। लकड़ी के सामान की जरूरत पड़े किससे खरीदते हैं? मध्यम वर्ग की दुकान से। और जब मकान बनता है, मजदूरी भी मिलती है, नौजवानों को काम भी मिलता है। भाइयों बहनों, सिर्फ गरीबों को मकान मिलता है इतना ही नहीं, उस मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया में
यहां के मध्यम वर्ग के लोगों की रोजी रोटी को भी ताकत मिलती है। भाइयों बहनों, भाजपा का गठबंधन चंदौली की उन पौने दो लाख गरीब बहन बेटियों से है जिनके चूल्हे में निकलता धुआं हमें तकलीफ देता था, जिनको हमने मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन लाखों गरीब दलित पिछड़े साथियों से है जिनकी सेहत की हमें चिंता थी, जिन्हें हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना की सुविधा दी। भाइयों बहनों, मैं भी आपकी तरह एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं और जो आप अनुभव करते हैं वो मैं अनुभव करके आया हूं। हमने देखा है गरीब परिवार में, किसी भी परिवार में अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, और गर्म की मां अगर बीमार हो गई तो कभी परिवार को बताती नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा झेलती है, परिवार में अपने बच्चों को नहीं बताती है, क्योंकि उसमें मन में रहता है कि अगर बीमारी का बच्चों को पता चलेगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, खर्चा होगा, बच्चों के सर पर कर्ज लग जाएगा, इसलिए मां जीवन भर पीड़ा सहन करती है लेकिन बच्चों के सर पे बोझ नहीं होने देती है। ये मेरे देश की माताएं हैं, ये मेरे देश की बहनें हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या ऐसी मेरी माताओं को मैं पीड़ा में रहने दूं क्या? उनको पीड़ा सहने दूं क्या? मुझे पीड़ा से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? इन परिवारों को आरोग्य की सेवा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या पहले की सरकारों का एक काम था कि नहीं था? क्या तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्या? उनको परवाह ही नहीं थी। हमने 5 लाख रुपए तक बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर के भी उपचार कराए, 5 लाख रुपए तक का खर्चा मोदी देगा, ये मैंने कहा है। भाइयों बहनों, भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर गांव के हर परिवार की बहनों से है जिनकी गरिमा की रक्षा के लिए हमने पहले शौचालय बनाए और अब नल से जल देने के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। इस मजबूत गठबंधन के आगे गौर परिवारवादियों का मिलावटी गठबंधन एक पल भी नहीं ठहर सकता। ठहर सकता है क्या? ठहर सकता है क्या? यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है, जो खबरें आ रही है गौर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है। यहां भी करोगे ना, यहां भी करोगे ना, इस चरण में भी आज जो मतदान चल रहा है वहां से भी खबरें यही आ रही है। और आप तो ये रैली देख करके मैं कह सकता हूं आपने तो उनका सफाया करना तय कर दिया है। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादियों का लक्ष्य सत्ता भोग है, इसलिए वो समाज में बंटवारे की राजनीति करते हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का है, इसलिए सबको साथ लेकर
हम सेवा भाव से काम पूरा करते हैं। बीते 5 साल में चंदौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, पुलिया जैसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ है। एक्सप्रेस वे काम होने से आगे बढ़ते हुए इस साल के बजट में काशी कोलकाता एक्सप्रेस वे के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। इस एक्सप्रेस वे से यहां अनेकों रोजगार चंदौली में बनेंगे। जब ये पूरा होगा तो यहां के किसानों के फल सब्जी तेजी से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक के अनेक बाजारों तक पहुंच जाएंगे। भाई और बहनों, गौर परिवारवादियों ने सिर्फ अपने परिवार का, अपने नाते रिश्तेदारों का और उनके माफिया दोस्तों का ही ध्यान रखा। इन लोगों ने इतनी समृद्ध विरासत वाले चंदौली को पिछड़े होने का टैग लगा दिया था। भाजपा सरकार गरीबों, शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए काम करती है, उनकी सेवा करती है। इसलिए आज चंदौली जिला विकास के मामले में कई क्षेत्रों से बेहतर कर रहा है। साथियों, हम किसानों की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। गौर परिवारवादी जब सत्ता में थे तो चंदौली के सिर्फ 12,000 किसानों से गेहूं और धान की खरीद की जाती, सिर्फ 12,000। लेकिन योगी जी की सरकार बनने के बाद करीब करीब 50,000 किसानों से धान और गेहूं खरीदा। ये जितनी भी खरीद हो रही है उसका पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 400 करोड़ रुपए, आप कल्पना कीजिए, हमारे चंदौली में पीएम किसान सम्मान निधि के 400 करोड़ रुपए सीधे यहां के किसानों के बैंक खाते में गए। इसका बहुत बड़ा लाभ ये मेरे चंदौली के 2 लाख से अधिक छोटे किसानों को इसका लाभ मिला है। डबल इंजन सरकार विज्ञान से कैसे किसान की समृद्धि के रास्ते बना रही है, इसका बड़ा उदाहरण चंदौली का काला चावल है। सरकार के प्रयासों की वजह से आज चंदौली के किसान को काले चावल के 300-400 रुपए प्रति किलो तक आज मिल रहे हैं। भाई और बहनों, कितनी भी सुविधा हो, कितनी भी समृद्धि हो, जहां मान सम्मान और जीवन खतरे में होगा वहां विकास संभव नहीं होता। अपने 5 साल पहले ऐसे ही दिन जेले हैं। अराजकता, गुंडागर्दी, थानों, स्कूलों, सरकारी विभागों में भाई भतीजावाद, इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हमारे गरीब, हमारे दलित, हमारे पिछड़े परिवार होते हैं, हमारी बहन बेटियां होती हैं। जब गरीब की सुनवाई नहीं होती, जब ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर कर्मचारियों का, शिक्षकों का शोषण होता है तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए यूपी आज कानून के राज को, नियमों के राज को ही प्राथमिकता दे रही है। 10 मार्च के बाद यूपी के विकास का यह अभियान और तेज किया जाएगा। भाई और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। भाइयों बहनों, मैं जब आज इतनी बड़ी रैली देख रहा हूं, दूर दूर मैं देख रहा हूं, उधर कितने दूर मुझे लोग नजर आ रहे हैं,
वहां ऊपर भी नजर आ रहे हैं। अब इतनी बड़ी रैली हो गई तो आपको तो बड़ा लगता होगा ना, मोदी जी आ गए, केशव जी आ गए, इतनी बढ़िया रैली हो गई, अब तो बस सो जाओ, ऐसा करोगे? इतना बढ़िया हो गया सो जाओ ऐसा करोगे? क्या करोगे? अच्छा बताइए, मेरा एक काम करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके सबके सब लोग बताइए, करोगे? मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? घर घर जाओगे, लोगों से मिलोगे? और मेरी तरफ से ये मेरी दिली इच्छा है, करोगे ना? और आप चुनाव के काम में हो, बहुत काम रहता है, इसके बीच में आपको काम देने आया हूं, करोगे ना? चुनाव के बीच में भी करोगे ना? देखिए, मतदान पूरा होने से पहले हर घर जाइए और घर जाकर के मोदी जी के प्रणाम उनको पहुंचा दीजिए। पहुंचा देंगे, उनको कहेंगे मोदी जी ने प्रणाम भेजा है, कहेंगे? पक्का? देखिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाइए, कमल के निशान पर, कप प्लेट पर और भोजन भरी थाली पर भारतीय जनता पार्टी के साथियों समेत पूरे एनडीए को विजयी बनाइए। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।